कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे तेरी मंजिल की तरफ, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे तेरी मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का तू सामना करना सीख ले। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। भैया नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या पहले वीडियो में हमने देखा था, पहले लिख दे भैया शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या हमको बताना है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो भैया शून्यों की संख्या दो चीज़ों में निकलती है, एक तो गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या, वो तो था पहला पहले वीडियो में बताया हमने, जाकर उसको जरूर देखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे भैया, फैक्टोरियल वाला देखेंगे कि फैक्टोरियल के अंत में जीरो कैसे हम निकालेंगे। बात यहाँ पर आई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है भैया क्रमगुणित। इसके अंत में हमको बताना है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, क्रमगुणित इसके अंदर शून्यों की संख्या क्या होगी यही हमको बताना है। इसका मतलब क्या भैया, सबसे पहले अगर हम जान लें क्रमगुणित होता क्या है, अगर क्रमगुणित के बारे में जान गए ना तो बता देंगे कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्रमगुणित होता क्या है। जैसे कि हमने लिख दिया क्रमगुणित फैक्टोरियल का भैया दो सिंबल होता है, एक तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा या तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा। तो आप घबराइएगा मत, दोनों चिन्ह सेम है, बस इनका साइज अलग अलग है, शेप अलग अलग है, इसको समझिएगा मत, ये कोण है, कोण नहीं है भैया, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है। अब देखते हैं कहीं ऐसा लिख दिया जाए फैक्टोरियल एन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्रमगुणित, फैक्टोरियल का मतलब क्रमगुणित, क्रम मतलब कि लगातार, क्रम वाइज सीरियल वाइज, जैसे कि देख लें फैक्टोरियल एन का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × ……… करके एन टाइम, फैक्टोरियल एन का मतलब एक से लेकर गुना कीजिए कहाँ तक एन बार, मतलब जैसे यहाँ पर लिख दें फैक्टोरियल 7 लिख दें अगर, तो मतलब क्या फैक्टोरियल 7 का मतलब ये है ना कि 1 से लेकर 7 तक गुना कीजिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। नहीं समझ में आया, फिर से लिख देता भैया फैक्टोरियल 5 लिख दे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना 1 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यही तो है, यही तो है भैया हमारा फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यही तो है ना। ये देख लो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, गुना कीजिए 1 × 2 × 3 × 4, ये हमारा है फैक्टोरियल, ये हमारा फैक्टोरियल। अब देखते हैं भैया फैक्टोरियल तो ये तो हो गया हमारा फैक्टोरियल हो गया, ये तो हो गया फैक्टोरियल, हम तो समझ गए होंगे फैक्टोरियल, हम समझ गए हैं कि भैया फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम अनुसार गुणा, क्रम अनुसार गुणा करना, क्रम अनुसार गुणा करना। फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर मान लो 8 दे दिया जाता है, इसका मतलब लगातार गुना कीजिए सीरियल वाइज 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल, ही तो हम समझ गए होंगे फैक्टोरियल। अब बात कर ले कि इसके अंत में जीरो कैसे निकालेंगे, इसके अंत में जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो की संख्या कितनी होगी यही हमको बताना है। तो देख लेते हैं भैया इसके अंत में जीरो की संख्या हमको बताना है ना, तो देखिएगा कैसे बताएंगे, कैसे हम बताएंगे फैक्टोरियल। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले फैक्टोरियल जीरो का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल जीरो का मतलब होता है 1,
फैक्टोरियल जीरो का मतलब होता है एक। अब फैक्टोरियल एक का भी मतलब होता है भैया एक, फैक्टोरियल जीरो का भी मतलब होता है एक, फैक्टोरियल एक का भी मतलब एक के होता है, समझ गए। ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। अब देख लेते हैं भैया, तो फैक्टोरियल तो हो गया, अब आगे क्या होता है तो देखो जरा ध्यान से। फैक्टोरियल का मतलब लगातार गुना कीजिए, फैक्टोरियल दो का मतलब एक गुने दो। फैक्टोरियल दो का क्या निकल कर आएगा भैया, फैक्टोरियल दो का निकल कर आएगा दो। फैक्टोरियल तीन का क्या होगा भैया, एक गुने दो गुने तीन, गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 एकम 6, तो फैक्टोरियल 3 निकल कर आता है 6। ये हो गया। अब देखो फैक्टोरियल 4 मतलब एक गुने दो गुने तीन गुने चार, गुना कर दो, 4 तिया 12 दूना 24। ये हो गया। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो क्या होगा, एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच। ये होगा ना, देखो 5 चौके 20, 20 तिया 60 दूना 120, हो गया ना। अब देखो फैक्टोरियल 6 की बात करें तो एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने 6 गुने, समझे, इसका आएगा भैया 720। इसका आ गया 720। ऐसे भैया 8 का भी हो जाएगा, कितना करेंगे, एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने 6 गुने 7 गुने 8, जितनी संख्या फैक्टोरियल के अंदर लिखी है उसका क्रम अनुसार गुणा करना, यही होता है हमारा फैक्टोरियल। अब देखो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भैया गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या पता करना, तो हमने आपको बताया था कि भैया शून्यों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो हमने बोला था कि सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लो, कोई भी संख्या दी रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। और 2 और 5 यही हमको बताते हैं कि कितने शून्य होंगे, क्या यही बताते हैं 2 और 5 कितने शून्य होंगे, जी हाँ यही बताते थे। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि 2 और 5 शून्य नहीं बताते थे, 2 और 5 की पावर हमको शून्य बताती थी। 2 और 5 की पावर में जिसका पावर सबसे कम होगा, जैसे मान लो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो इसमें किसका पावर कम है, इसका पावर कम है। 2 और 5 में जिसका ना पावर कम होगा वही हमको बताएगा कि भैया कितने शून्य होंगे, जिसका पावर कम होगा, और पावर जितना भी होगा उतने ही शून्य अंत में आने वाले हैं। ये तो था क्रम गुणनखंड, गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या। अब बात करें ई कि 2 और 5 शून्य क्यों देते थे, तो देख लीजिएगा अगर हम अभाज्य संख्या लिखे तो देखो, 1 तो हो गया 2 1 तो हो गया 3 1 तो हो गया 5 1 तो हो गया 7 11 13 17 19, डॉट डॉट करके इन्फाइनाइट तक तो पहुंच जाइए। अब आपको हमने यह बताया था कि भैया 2 और 5 को अगर छोड़ दें, हम 2 और 5 को अगर हम छोड़ दें और किसी भी अभाज्य संख्या का आपस में गुना करें ना, तो हमको शून्य नहीं मिलने वाला है। 2 और 5 को छोड़ के किसी भी अभाज्य संख्या का आपस में गुना कर देना, हमको शून्य नहीं मिलने वाला है। अगर हम जब हमको शून्य नहीं मिलेगा, देखो 7 का गुना अगर 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 3 21, 21 में शून्य है, 21 में शून्य नहीं है, 21 में शून्य नहीं है। इसका 11 का 7 में करेंगे तो 11 7 77, क्या इसमें शून्य है, शून्य नहीं है भैया। शून्य कहाँ मिलेगा, जब 2 अभाज्य संख्या 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 का गुना करेंगे अभाज्य संख्या में तभी हमको मिलेगा शून्य, वरना नहीं मिलेगा। यही केवल 2 ही अभाज्य संख्या है, 2 और 5 का जब हम गुना करेंगे अभाज्य संख्या 2 और 5, जब हम इसका गुना करेंगे तभी हमको शून्य मिलेगा, वरना शून्य नहीं मिलेगा। अब जब शून्य नहीं मिलेगा, देखो जिन जिन संख्याओं से शून्य नहीं मिलेगा उनको छोड़ देते हैं, उससे हमको कौनो लेना देना नहीं, जिससे शून्य मिलेगा उसी से लेना देना है बस, और कौन कुछ नहीं लेना देना। तो बात करें 2
देखो दो और पांच को रख लेते हैं, सबको छोड़ देते हैं। तो यही दो और पांच डिसाइड करते हैं कि कितना शून्य होगा। ये कब डिसाइड करते हैं दो और पांच, देखो दो की पावर अगर सात है, यहाँ पांच की पावर दो है, दो और पांच में, दो और पांच में जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा, किसका पावर कम है, इसी का ना पावर कम है, इसका पावर दो है। दो और पांच में जिसका पावर कम होगा, और जितना पावर होगा, जितना पावर होगा उतने ही शून्य अंत में आने वाले हैं, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। दो और पांच में जिसका पावर कम होगा, देखो दो का पावर सात है यहाँ पर, यहाँ पर पांच की पावर दो है, किसका पावर कम है, यहाँ पर पांच की पावर कम है, कितना है, दो है, और जितना होगा उतना ही शून्य अंत में आने वाला है। बस समझ गए ना, जितना पावर होगा उतना ही शून्य आएगा, दो और पांच में जिसका पावर कम होगा उतना ही शून्य आएगा। बस अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं भैया कि दो और पांच में, दो और पांच हमको बताने वाले हैं कि कितने शून्य होंगे और कितने शून्य नहीं होंगे। ये तो डिसाइड हो गया यहाँ पर कि दो और पांच हमको बता रहा है कि दो और पांच में जिसका पावर कम होगा वही शून्य हमको बताएगा, वरना शून्य नहीं बताएगा। अब देखो हमने ये फैक्टोरियल लिखा है, हमने यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा है। अब बात कर ले, अगर अगर दो है पांच नहीं है तो क्या वहां पर हमको शून्य मिलेगा? तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ध्यान से भैया देख लो, यहाँ पर ध्यान से देख लो क्या यहाँ पर मिल रहा है हमको। देखो एक की बात नहीं है करे तो चल जाएगा भैया, इसमें शून्य है ही नहीं। देखो इसमें दो है, जब दो और पांच होंगे तभी हमको शून्य मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बात क्लियर यहीं पर भैया, जब दो और पांच होंगे ना तभी हमको शून्य मिलने वाला है, वरना शून्य नहीं मिलेगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, कापी कलम निकाल लीजिए, एक बार फिर से बोल दे भैया आपको अगर लिखना हो तो। फिर से बोल रहे हैं कि भैया दो और पांच हमको शून्यों की संख्या बताएंगे, दो और पांच में जिसका पावर कम होगा वही हमको शून्यों की संख्या बताएगा। ये तो बात हो गया क्लियर। लेकिन अगर बात करें फैक्टोरियल में, दो है और पांच नहीं है, दो है और पांच नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहां पर जीरो नहीं है। जहां केवल दो है और पांच नहीं है वहां पर जीरो नहीं होगा, फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, यहां पर दो है, दो की पावर एक, पांच नहीं है, एक गुने दो दो है, पांच नहीं है, इसका मतलब पांच नहीं है, इसका मतलब शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर शून्य नहीं है। अब बात करें यहाँ पर कितने दो है, यहाँ पर एक दो है, अब पांच है, पांच नहीं है, पांच नहीं है। गुणात्मक व्यंजक में हमने बताया था कि जहां पर दो और पांच होंगे, और दो और पांच में जिसका पावर कम होगा वही शून्यों की संख्या बताएगा। गुणात्मक व्यंजक होता क्या भैया, जैसे कि कोई भी संख्या लिख दे, 23 गुणे 34 गुणे 45, अब कितना भी लिखते जाए, किसी भी संख्या को गुणे के रूप में लिख दो ना, वही हमको बता देगा कि वो गुणात्मक व्यंजक है। तो फैक्टोरियल भी ना गुणात्मक व्यंजक है, ध्यान से देखो, एक गुणे दो गुणा के रूप में तो लिखा गया है, ये भी गुणात्मक व्यंजक है, कुछ अंतर मिला कुछ नहीं। एक गुणे दो गुणे तीन, यह भी तो गुणा के रूप में लिखा है, तो इसलिए यह भी गुणात्मक व्यंजक है। अब बात करें देखो, यहाँ पर दो है पांच नहीं है, इसका मतलब इसमें जीरो नहीं है, समझ गए। अब देखो यहाँ दो कितनी बार है, यहाँ दो तीन बार है, ध्यान से देखना, एक दो तो मिल गया, अब देखो चार को इसे भी तो लिख सकते हैं, दो गुने दो, मतलब कि एक दो दो, एक दो तीन, यहाँ पर तीन दो हैं लेकिन पांच नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर शून्य नहीं है, यहाँ पर भी शून्य नहीं है। अब बात करें यहाँ पर कितने दो हैं, देखो यहाँ पर तीन दो है, एक दो यहाँ पर हो गया, अब देखो चार का मतलब दो गुने दो, देखो एक दो तीन, मतलब कि दो की पावर तीन, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर पांच कितना है, पांच एक बार है तो पांच की पावर एक। हमने बोला जहाँ पर दो और पांच होंगे फैक्टोरियल में, क्रम गुणित में, जहाँ पर दो और पांच होंगे वहीं पर हमको शून्य मिलेगा,
समझे। तो यहाँ पर दो था पांच नहीं था इसलिए शून्य हमको नहीं मिला। यहाँ पर भी दो था पांच नहीं था शून्य नहीं मिला। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा शून्य हमको नहीं मिला। अब बात करें फैक्टोरियल पांच की तो क्या करना है भैया, तो ध्यान से देखो यहाँ पर दो कितनी बार है, एक दो तीन, दो तीन बार है तो दो की पावर तीन कर दिया हो गया। अब देखो गुने में पांच कितनी बार है, पांच एक बार है तो पांच की पावर एक कर दिया। और हमने आपसे यह बोला था दो और पांच में जिसका पावर कम होगा और जितना होगा उतना ही जीरो हमको मिलने वाला है। तो देख लो ना यहाँ पर तीन है यहाँ पर एक है तो पांच का पावर कम है ना, पांच का पावर कितना है एक, तो मिला कितना एक न एक न जीरो मिला, समझ गए। अब बात करें छः की तो छः को देख लो कितने दो हैं, एक दो है। अचार को ऐसे तो लिख सकते हैं दो गुने दो, छः को भी तो ऐसे लिख सकते हैं तीन गुने दो। गिन लो कितने दो है, एक दो तीन चार, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दो की पावर चार। और पांच कितना है, पांच इक्का बार है ना तो पांच की पावर एक लिख दो। अब देखो कितने जीरो होंगे, आप बता दोगे कि एक जीरो होगा, क्यों होगा कि दो और पांच में पांच का पावर कम है, कितना है एक है, एक है जीरो होगा। अब बात करें इसका तो इसका आप बताइएगा, तो देखो जरा एक दो हो गया ना, देखो छः को ऐसे लिख सकते हैं तीन गुने दो। अब देखो दो गुने दो गुने दो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दो दुना चार दुना आठ, कितने दो हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो की पावर सात। पाँच कितना है, पाँच इक्के है, पाँच इक्के बार आया है तो फैक्टोरियल आठ में कितना जीरो होगा, फैक्टोरियल आठ में एक जीरो होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि दो और पाँच में पाँच का पावर कम है, कितना है एक बार है, पाँच का पावर एक है इसलिए एक जीरो मिला। बात क्लियर हो गई ना, इतनी तो बात क्लियर हो गई कि भैया दो और पाँच में जिसका पावर कम होगा उतना ही जीरो हमको मिलेगा। जिसका पावर कम होगा और जितना पावर होगा उतना ही जीरो हमको मिलने वाला है। अब एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर देखो दो हर अल्टरनेट आ रहा है, एक संख्या के बाद हर बार हमको दो मिल रहा है। देखो यहाँ पर चार की बात करें तो देखो यहाँ पर दो मिल गया, एक संख्या को छोड़ दें तो यहाँ पर फिर दो मिल गया, हो गया ना अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर दो हमको हमेशा हर एक संख्या के अंतराल पे मिलने वाला है, एक संख्या को छोड़ने के बाद मिलने वाला है। देखो यहाँ पर दो इसको छोड़ दो कितने हो गए भैया, दो एक संख्या को छोड़ने के बाद मिल रहा है। यहाँ पर देखो दो फिर दो फिर दो, फिर देखो यहाँ पर आएगा सात फिर आठ आएगा, देखो यहाँ पर दो यहाँ पर दो, एक को छोड़ दिया इसको छोड़ा फिर दो इसको छोड़ा फिर दो, दो हर एक अंतराल के बाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और बात करें पांच की, अगर बात करें अगर पांच की तो कितना, देखो बात करें पांच की तो देखो फैक्टोरियल पांच इतना पांच का स्टार्ट होगा, फैक्टोरियल पांच ऐसे पांच स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पर फैक्टोरियल कितने बाद, एक दो तीन चार पांच, पांचवें नंबर पे आ रहा है फैक्टोरियल, हर पांच नंबर के बाद आ रहा है। देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, अब की बार आ गया छः, फिर सात आएगा फिर आठ आएगा फिर नौ आएगा फिर दस। बात करें अगर देखो यहाँ पर अगर फैक्टोरियल दस की बात कर दें, फैक्टोरियल दस का मतलब क्या होता है, लगातार गुना कर दीजिए, एक गुने दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब देखो हमको पांच कहाँ मिल रहा है भैया, पांच हमेशा पांच के अंतराल पे मिलेगा, लेकिन दो हमेशा हर एक संख्या के अल्टरनेट पर मिलने वाला है। देखो यहाँ पर दो है यहाँ पर दो है, अब बात करें यहाँ पर भी तो दो मिलेगा, दो गुने दो यहाँ पर दो मिला। अब देखो यहाँ पर भी हमको दो मिल गया, तीन गुने दो, एक संख्या को छोड़ा फिर दो मिल गया, यहाँ पर भी चार गुने दो, कुछ भी कर दो यहाँ पर मिल जाएगा भैया पांच गुने दो, मिल गया ना। दो हमेशा हर एक संख्या के अल्टरनेट पर मिल रहा है, लेकिन अगर पांच की बात करें तो देखो एक दो तीन चार पांच,
यहाँ पर पाँच मिला। अब देखो एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर पाँच गुने दो यहाँ पर मिला। पाँच हमेशा हर पाँच संख्या के बाद मिल रहा है, लेकिन दो हमेशा एक संख्या के बाद मिल रहा है, समझ गए? इसका मतलब क्या है? जब दो हर एक संख्या के बाद मिलेगा, एक संख्या को छोड़ने के बाद जब हमको दो मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि दो की संख्या ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर छः दो मिल गया, दो की पावर छः लिख सकता हूँ। अब देखो गुने में पाँच यहाँ पर कितनी बार मिला, यहाँ पर एक बार पाँच मिला, यहाँ पर दो बार पाँच मिला, तो पाँच की पावर दो कर सकता हूँ। अब पूछो आपसे अगर किसमें कितने शून्यों की संख्या है, तब क्या कहोगे? तो कहना क्या भैया, हमने बोला दो और पाँच में जिसका पावर कम होगा, किसका पावर कम है, इसी के ना पावर कम है, और कितना है, दो है। तो अंत में भैया दो जीरो आपको मिलने वाले हैं, बस समझ गए ना? और देखो अब बात ध्यान से देखिएगा, दो हमेशा एक संख्या के अंतराल पे मिल रहा है, लेकिन पाँच की बात करें तो पाँच हमेशा हर पाँचवीं संख्या के बाद मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दो की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, फैक्टोरियल में दो की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, पाँच की संख्या हमेशा कम होगी। कोई भी देख लो भैया, यहाँ पर अगर छः की बात करें तो देखो यहाँ पर दो मिलेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, एक को छोड़ेगा फिर यहाँ पर आएगा, लगातार आपको मिलने वाला है। मतलब कि दो की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी और पाँच की संख्या हमेशा कम होगी फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल में दो की संख्या ज़्यादा पाँच की संख्या कम। इसका मतलब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि दो की दो और पाँच में पाँच की पावर हमेशा कम होने वाली है। जब दो ज़्यादा बार आएगा तो मतलब दो का पावर ज़्यादा होगा, जब पाँच कम बार आएगा तो पाँच का पावर कम होगा। और हमने यह भी बोला कि दो और पाँच में जिसका पावर कम होगा वही हमको बताएगा कि कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं। तो देखो भैया दो ज़्यादा है पाँच कम है, तो भैया कम है वाला तो बताएगा कि कितने जीरो आएंगे। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि फैक्टोरियल में हमको देखना है कि पाँच कितनी बार आया। फैक्टोरियल में बस हम दो पर अगर ध्यान ना दें तो हमें पाँच पर ध्यान देना होगा, फैक्टोरियल में पाँच पर हमेशा ध्यान देना होगा कि पाँच कितनी बार आया, जितनी बार आया है उतने ही जीरो अंत में आने वाले हैं, समझ गए ना? दो और पाँच में हमेशा फैक्टोरियल में पाँच पर ध्यान दीजिएगा, पाँच पर हमेशा ध्यान देना है। अब देख लो भैया, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, बात करें अगर हम यहाँ पर कोई लिख दें, मान लो अगर लिख दें फैक्टोरियल 36 में बताओ भैया शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल 36 में शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल 36 में शून्यों की संख्या बताना है। मतलब क्या है, अगर आप पाँच की पावर ज्ञात कर ले गए, अगर आप पाँच की पावर बता ले गए तो जितना पाँच पर पावर होगा भाई हमको बता देगा कि कितने शून्य हैं। हमने बोला कि फैक्टोरियल में जो ज़्यादा बार आने वाला है, दो हमेशा ज़्यादा बार आएगा, अल्टरनेट पर आता है दो, इसलिए वह ज़्यादा बार होगा, लेकिन पाँच हर पाँच संख्या के बाद आएगा इसलिए पाँच कम बार होगा, और दो और पाँच में पाँच ही हमको बताएगा कि भैया कितने शून्य हैं। तो 36 की बात करें तो देखो भैया फैक्टोरियल 36 में देखो करना क्या है, करना क्या, फैक्टोरियल 36 का मतलब यही होता है एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने कब तक, 36 तक ले जाइए, यही होता है ना। अब बात करें हमें क्या ढूंढना भैया, हमको पाँच ढूंढना है, कितना ढूंढना है, पाँच ढूंढना है। तो ऐसे कर देना एक गुने दो गुने डाट डाट करके देखो, यहाँ पर पाँच मिलने वाला है। अब बात करें यहाँ, अब पाँच कहाँ मिलेगा, पाँच के अंतराल पर मिलेगा, मतलब कि दस में मिलेगा, अब गुने कर दो, अब कहाँ मिलेगा, पंद्रह पर मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, 20 पर मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, 25 पर, पाँच पाँच के अंतराल पे हमको पाँच मिलने वाला है। यहाँ पर 10, 15, 20, 25, अब देखो कहाँ मिलेगा भैया 30, अब कहाँ मिलेगा 35 गुने 36, यही होता है हमारा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का यही होता है भैया। हमने फैक्टोरियल में कहा अगर आप पाँच की संख्या बता ले गए तो वही हमको बता देगा कि कितना शून्य आएगा। देखो यहाँ पर पाँच कितनी बार है, एक बार है, एक लिख दो यहाँ पर। अब देखो पाँच यहाँ पर मिलेगा ना, दो गुने पाँच यहाँ पर हो जाएगा भैया, यहाँ पर पाँच मिलेगा। अब देखो तीन गुने पाँच यहाँ पर मिल जाएगा, अब देखो चार गुने पाँच
यहाँ पर मिल जाएगा ना, पाँच चौके 20, अब देखो 5 × 5 यहाँ पर मिलेगा ना, अब देखो 6 × 5 यहाँ पर मिलेगा ना, अब देखो 7 × 5 = 35, 5 कितनी बार आया? अब पूछें आपसे कि 5 कितनी बार आया, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 कितनी बार आया? 5 8 बार आया। अगर 2 की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 मिला, अब बात करें 3 के बाद 4 में, यहाँ पर 2 मिलेगा, अब बात करें 6 में फिर 2 मिलेगा, मतलब कि 2 की संख्या ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा वाला हमको पावर बताता, ज़्यादा वाला हमको बताता नहीं है कि 0 कितने होंगे, कम ही वाला हमको बताएगा 0 कितने होंगे। तो हमने कहा कि भैया 5 को ढूंढ लो, 5 कितनी बार आया, 5 जितनी बार आएगा उतने ही 0 आपको मिलेंगे। देखो 5 यहाँ पर 8 बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 8 बार आ गया, मतलब कि फैक्टोरियल 36 में कितने 0 मिलेंगे? फैक्टोरियल 36 में 8 0 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इतने 0 मिलने वाले हैं अंत में। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? कैलकुलेटर निकालिए, अब गुना कीजिए, 1 × 2 × 3 × कितनी बार, 36 तक करिए, अब उसके बाद इक्वल टू कर दीजिएगा, आपका इतना 0 लास्ट में मिल जाएगा। अब बात क्लियर हो गई। अब तो हम हमेशा इसे करेंगे नहीं, अब अगर हमको दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए 875, तो क्या भैया इसको भी लिखेंगे 1 × 2 × कितनी बार 5 आया, इसे नहीं लिखेंगे भैया? तो देखो इसका आसान तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका ध्यान दीजिएगा। तो देखो आसान तरीका क्या होगा हमारा भैया, हमने देखा कि 8 0 हमको मिल गए, 0 की संख्या भैया 8 0 हमको मिल गए, 8 0 हमको मिलेंगे 36 में, फैक्टोरियल 36 में। अब देखो एक आसान तरीका देख लो, एक आसान तरीका देख लो, अब क्या करना है भैया? देखो 5 हमेशा 5 के गैप पर आता है कि नहीं, 5 हमेशा 5 के गैप पर आ रहा है, तो क्या करो कि 36 में ना 5 से भाग दे दो, 36 में 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा भैया? 7 × 5 = 35, इतने बार जाएगा 7 × 5 = 35। अब देखो अगर 5 से बड़ी संख्या आ रही है तो 5 से फिर काट दो, देखो 7 × 5 = 35 किया तो भैया कितना बचा? 5 × 7 = 35, ये बचा 7, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। अब 5 से 7 काटोगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा ना, तो देखो 5 × 5 = 5, कितना भैया हुआ बचा? कितना? 1। और सबको आपस में जोड़ दो, जब तक कि 5 से छोटी संख्या आ ना जाए तब तक आपको काटना है, 4 भी आ जाएगा तो चल जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया 5 से 36 में भाग दे दो, 36 में भाग दिया, बचा कितना? 7। 7 5 से बड़ा है तो कहा कि भैया 5 से फिर 7 में भाग दे दो, बचा कितना? 1। अब जब इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 8, समझ गए ना, 8 0 अंत में आने वाले हैं, 8 0 अंत में आने वाले हैं। बात क्लियर हो गई? ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि हम ऐसा बार बार ऐसे करते जाए, उम्र बिताना थोड़ी है भैया, हमको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस इतने करना है। तो भैया देखो यहाँ पर भी 5 की पावर 8 आया था, मतलब कि 8 0, अब देखो यहाँ पर 7 + 1 मतलब कि 8, 8 0 हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, फैक्टोरियल 36 में, चाहे आप इसका गुना करके देख लीजिएगा। अब और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, अब और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखो भैया अब बात करें, अगर इसकी यहाँ पर लिख दे फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 40 लिख दे, तब क्या करोगे भैया? अब तो लिखोगे नहीं कि 5, 10, 15, 20, 25, 35, ऐसे थोड़ी लिखोगे, ऐसे लिखना नहीं है। तब क्या करना भैया? सीधे डायरेक्ट 40 में 5 से भाग दे दो, डायरेक्ट 40 में भाग दे दो, देखो कितनी बार आएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 8 से काटा तो यहाँ पर लिख दिया। क्या 5 से संख्या बड़ी है? अगर संख्या बड़ी आ रही है तो फिर से 5 से काट दो, अगर संख्या बड़ी आ रही है तो फिर से 5 से काट दो, कितना हो जाएगा भैया? देखो कितनी बार जाएगा, 5 × 5 कितना हो गया भैया? 1 बार गया, 8 × 9 0 हमको मिलेंगे, फैक्टोरियल 40 में हमको 9 0 मिलने वाले हैं। चाहे आप कागज कलम लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इतने 0 आएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, 100% आपको यही मिलने वाले हैं 9-0 अंत में, समझ गए। अब बात करें, देखो अब बात करें इसका, तो देखो भैया देखो बात करें इसका फैक्टोरियल, अगर 57 की बात कर दे तो इसमें कितने जीरो होंगे, शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या बताओ, तब क्या होगा भैया, शून्यों की संख्या बताओ तब क्या करोगे, करना क्या है, डायरेक्ट इसमें 5 से भाग दे दो, 57 में 5 से हमने भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा भैया, 5 2 50 बचेगा क्या, 11 बार जाएगा कि नहीं, 11 बार जाएगा, चाहे ट्राई करके देख लीजिएगा, 11 बार गया, क्या संख्या 5 से बड़ी है, अगर हाँ, अगर यह संख्या 5 से बड़ी है ना, तो फिर से 5 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा भैया, 5 2 10 कितनी बार गया, 2 बार गया, देखो कितना हो गया भैया, 11 2 13 जीरो हमको मिलेंगे, 13 जीरो हमको मिलेंगे अंत में, 13 जीरो हमको अंत में मिलेंगे, बस इतने करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर फैक्टोरियल में दे दे तो इतने ही करना है आपको। अब देखो भैया अब क्या करना है, अब देखो अगर कोई बड़ी संख्या दे दी, कोई बड़ी संख्या दे दे, जैसे कि लिख दे यहाँ पर फैक्टोरियल 1000 का बताओ, तब क्या करोगे, फैक्टोरियल 1000 का क्या होगा भैया, इतनी बड़ी संख्या, मतलब कि अगर नॉर्मली करोगे तो क्या करोगे, 1 × 2 × 3 × कहाँ तक, 1000 तक ले जाओगे, तो ऐसा करना नहीं है, क्या करना है, डायरेक्ट 1000 में 5 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा भैया, 200 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा, कितनी बार गया, 200 बार गया, अब देखो करना क्या भैया, अब 200 को कितनी बार जाएगा भैया, 5 × 20 कितनी बार जाएगा, 40 बार, 200 500 से बड़ा है तो 40 बार जाएगा, अब देखो यहाँ पर 40 लिख दिया, सबको जोड़ना है अंत में, सबको जोड़ना है अंत में, अब देखो कितनी बार गया भैया, 40 5 से बड़ा है तो मतलब कि फिर से इसको एक बार काट दो, 5 8 40 कितना हो गया भैया, अब देखो 5 से क्या 8 बड़ा है, हाँ अगर बड़ा है तो फिर से काट दो, 5 1 5 अब देखो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया, 9 4 2 249 फैक्टोरियल 1000 में भैया लास्ट में 249 जीरो मिलेंगे, जीरो मिलेंगे, समझ गए, फैक्टोरियल 1000 में 249 जीरो हमको मिलेंगे, चाहे आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, समझ गए भैया, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे हमको लगता है। अब भैया आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगर आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दिया तो बेल का आइकन प्रेस कीजिए, आल का ऑप्शन चुनिए, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, ओके गुड बाय।